जूले तशदलेक एंड नमस्ते टू एवरीवन। सो आज मेरा ये कौन सा 13th-14th व्लॉग है आई गेस, यस। सो आज जम्मू में जो है मौसम जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं मैक्सिमम चपाती वगैरह या कोई ब्रेड टोस्ट वगैरह ऐसे बनाती हूँ। मैक्सिमम मैं चपाती बनाती हूँ और उसके साथ कोई सब्ज़ी या कोई एग वगैरह खाते हैं। बट अभी हम खाएंगे लद्दाखी खोलक, यानी कि सत्तू के साथ बने हुए, उसको डो करके हम उसके साथ कुछ सब्ज़ी खाएंगे एंड उसके साथ एग भी खाएंगे। तो उसके साथ एग भी खा लेंगे, कोई बात नहीं। और ये बहुत हाई रिच फाइबर होते हैं इसमें, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये सत्तू जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देखो ऐसे कुछ होता है। ये हम ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं, विद आलू की सब्ज़ी हो गया या मतलब कर्ड के साथ हो गया, या बहुत ऐसे चीज़ों के साथ सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। सो गाइस देख सकते हो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर या इसको ऐसे बनाते हैं, सबसे दिख ही नहीं रहा है। अभी मैं खा रही हूँ दूध के जो मलाई जो है वो, उसके साथ बटर पफ बिलोंग टू सीरिया, सीरिया के अंदर बटर पफ खा रहे हैं। इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, इजराइल इसको ऑक्यूपाई कर लिया और बैठे हैं दोनों वॉर, थोड़ा सा 6 डे पढ़ाई चल रही थी। और बाहर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए मैंने बेडशीट धोए हुए थे, तो बेडशीट भी मैंने अभी अंदर वो कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और सिलेंडर जो है सुबह के ख़त्म हो गए, सुबह ब्रेकफास्ट जैसे ख़त्म कर दिया तो वैसे ही सिलेंडर भी ख़त्म हो गए थे। तो बाहर बारिश देख सकते हैं। Golden Heights, nobody recognizes. So during the time of Trump, he had given the recognition. बारिश कल भी बारिश, आज भी बारिश। अभी मतलब दोपहर तक मौसम सही था, पता नहीं फिर से खराब हो गया। यू नोस पास पर एक और रीजन है, तो फिर इसके साथ मलाई लगा के थोड़ा खाने में मज़ा आ रहा है। और खाना जो है लंच जो है मंगवाया हुआ है अभी, तो बारिश इतना ज़ोर से हो रहा है और थंडरिंग जो हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है, पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। चलो कोई नहीं। सो आज हमने ऑर्डर किया एडन से फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिर ऐसे तो वहाँ रेस्टोरेंट में हम गए थे, बट घर पे मंगवाया, फर्स्ट टाइम मंगवाया है। सो या आई थिंक दिस इज़ द गार्लिक ब्रेड आई गेस, या। और ये हमने बिरयानी मंगवाई क्योंकि वहाँ के जो बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सो लाइक हमने ये चीज़ मंगवाया। सो गाइस देख सकते हो चिकन बिरयानी आ गया है और गार्लिक ब्रेड, और ये जो है लग रहा है रायता है, एंड ये ग्रीन चटनी, और ये अनियन। और बहुत हाइजीनिक है गाइस, लाइक जो गाइस कैन सी फ्रॉम माय दिस पॉइंट। बेशरम इंसान पूरा बकेट लेके खा रहा है, मेरे को भी दो।
खाएगा। चिकन को समेत पाऊंगा, चिकन का तो। और ये सफिशिएंट रहता है कि दो लोगों के लिए? चलो आप ये चलो। कहाँ चलो? मैं क्या ऐसे जाऊँ? अब मैं बंद कर। मत जाओ ना यार दी। ये क्या बोल रहे थे दी? ये कौन है दी? ये बताओ ना, ये क्या है? क्या है? आने आओ, 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 पहले बताओ ये नीचे क्या गिरा है? क्या बोल रहे थे तरुण? मम्मी पापा को इतना लिपस्टिक लगा लगा। मौसम कितना अच्छा हुआ है यार, पता अच्छा है। बोलो और बताओ। और क्या बोल रहे हैं? अब नहाने जाएंगे हम, तैयार होंगे। साल में एक बार नहाते हैं ना दी? हाँ हाँ वही ना, साल में एक बार ही नहाना चाहिए, पानी की बचत होती है। रुक जा रुक जा। फिर भगवान बारिश दे रहे। पानी बचाया हुआ है, देखो पानी बचाया दी ने, है ना। हमारा लास्ट डे है, लास्ट डे इन द सेंस के लिए मेरी नोनो का लास्ट डे है। तो आज अभी ये खा के और उसके बाद इसने पैकिंग वगैरह करके निकलने है। पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है, मैंने कर दी है इसका। तो आज लास्ट डे कुछ खाने का मन कर रहा था सीरियसली, सो लाइक वी थॉट टू हैव सम स्पेशल। ये चलो चाट पापड़ी खा ला। चाट पापड़ी है ये दोनों, ठीक है। ये राजमा चावल है, चाट पापड़ी। एक्चुअली मैंने डोसा मंगवाए थे, डोसा जो है वो क्या कहते हैं नहीं, अच्छा मॉर्निंग में है नहीं किया। तो फिर चलिए अब मैं खा के दिखाऊंगी आपको। पूरा दाम मोस्टली आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं जब भी मैं ब्लॉग डालती हूँ या तो ऐसा होते ही हो कोइंसिडेंटली, या कोइंसिडेंटली बहुत ज़्यादा ऐसा होता है मैं बाहर का खाना ज़्यादा खा रही हूँ, ऐसा वाला कुछ दिख रहा होगा तो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मैं ब्लॉग ही तभी बन रही, मेरे ब्लॉग ही तभी बन रहे होते जब बाहर से कुछ खाना मंगवाया होते, तभी बन रहे होते। सो इसीलिए शायद ब्लॉग में कुछ ऐसा कुछ मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि मैक्सिमम मैं खाने के ऊपर डाल रही हूँ या ऐसा सब कुछ, क्योंकि हर व्लॉग में मेरे कुछ खाने के रिलेटेड तो होते ही होते हैं, सो दैट्स व्हाई। बट ऐसा नहीं है, मैं घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू बाहर का वाला। और बाहर का खाना मैं ज़्यादा देर के लिए मैं खा भी नहीं सकती। अगर 3 टाइम का खाना बताया जाए तो उसमें से मैं एक खाना जो है अगर बाहर का खा रही हूँ तो मैं 2 टाइम का घर का ही प्रेफर ज़्यादा करती हूँ। सो या ये पहलवान जो है वो स्पेशली स्वीट्स वगैरह के लिए फेमस है शायद, हालांकि स्वीट्स वगैरह के लिए फेमस है। और वैसे भी होंगी चाट पापड़ी, बहुत सही है, बहुत सही है। राजमा चावल को खुश रहा ठीक रहा फिर जिन पूरा एक्सपेक्टेड बट गी उन्हें जो मार सकते हैं पुलिस बार मार था संगा तोंगा तो खुश हो बाम। अच्छा 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 जोश जोश में, बट पता नहीं मुझे तो सीरियसली नहीं अच्छा लगता है क्योंकि आई डोंट नो। सो मेरे भाई ने लद्दाख जाना है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड के साथ जा रहा है।
पेपर के लिए ऑब्वियसली या सो बाई रोड जा रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो रास्ता क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे तो कल जाना था इसने, सो जिला में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने की वजह से रोड ब्लॉक हो गए थे, शायद ऐसा कुछ सुनने में आया है, और एवलॉन्च के वजह से वहाँ एक गाड़ी और एक टेम्पो मतलब शायद गिर गए, ऐसा कुछ मैंने सुना है। आई डोंट नो कि मतलब कि होपफुली कि वो सब सेफ हो, और मैं यही प्रे करूँगी कि मतलब कि जो भी मतलब बाई रोड ट्रैवल करते हैं वो सेफली अपने घर तक पहुँचे, और मतलब ऐसे सिचुएशन को फेस करने का नौबत ना आए। सो या जो कि मैं प्रे करती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, इसने जाना है। सो ठीक है, फिर मैं जब ये जाएगा इसको मैं छोड़ने जाऊँगी, तो फिर तब भी मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाती हूँ। ठीक है, इट्स 8:19 हो रहा है, और यू नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नोनो को छोड़ने वाली थी, मतलब छोड़ने जाने वाला था थी, तो फिर वहाँ पे छोड़ के फिर वहाँ के मतलब दो तीन चीज़ें दिखाने थे, तो फिर ये वगैरह, बट नहीं हो पाया, आई एम सॉरी, क्योंकि वो खुद लेट आए, क्योंकि वो हेयर कट के लिए गए हुए थे और दो तीन चीज़ें सामान वगैरह लेने गए हुए थे। कुछ सामान लाते लाते या हेयर कट होते होते आई डोंट नो क्या चीज़ था, काफ़ी टाइम लग गया उसको, एंड 3 बजे इसका जहाँ से गाड़ी वगैरह जा रहा है वहाँ पे पहुँचने थे, आई मीन लद्दाख सराय जो बात था, तो फिर वो ऑटो में आए, तो फिर अपने फ्रेंड के साथ भी आए, तो फिर गए यहाँ से जल्दी से, फटाक फटाक से जल्दी से निकल गए, तो फिर नहीं हो पाया। नहीं तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जैसे वो जाएंगे मैं वीडियो प्रॉपरली बनाऊँगी, बस यही था, तो फिर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो अब शायद ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिर सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ़ येस सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, और सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो बाय, सो बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम, सो टिल देन बाय बाय।